लाइए सर दवा दिखाइए, इसमें क्या है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर ये अम्बेडकर नगर और जौनपुर सिटी के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। फिर से एक अंधविश्वास का पर्दाफाश होने वाला है आज, और नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो किसी के साथ खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक गाँव है हरिहरपुर चकियाँ, है ना सर? हरपुर चकियाँ। दोस्तों ये है, इनके बच्चे को भी सांप ने काटा और वो जो है 7,500 रुपये, कितना पैसे लिए? 6,500 रुपये के लिए दोस्तों इनकी गाड़ी को खड़ी करवा लिया गया, टू व्हीलर की गाड़ी थी, और उन्होंने कहा पैसा लेकर के आइए तब इसको लेकर के जाइएगा। और उनको सांप जो काटा था गुड़िया को दोस्तों, वो सांप था चेकर्ड किल बैग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और उसका नाम है वाटर स्नैक यानी कि पानी वाला सांप, गाँव में जिसको डोढ़ा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर दोस्तों उसको पंडोल के नाम से बताते हैं। तो आइए इनसे हम 2 मिनट आपसे बात करवाते हैं और फिर उस प्लेस पर चलते हैं, उस स्थान पर चलते हैं जहाँ की ये सारी घटनाएं हैं। जो दवा पिलाते हैं उनके चेहरे भी आपके सामने हम रूबरू करते हैं। आइए दोस्तों, कहाँ पे काटा है साहब दिखाइए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जब भी कोई जहरीला सांप काटता है दोस्तों तो 2 दांत के निशान होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से ब्लड निकलता है, बहुत तेजी से सूजन होती है और चक्कर आता है, उल्टियाँ होती हैं, इंसान दोस्तों 20 मिनट आधे घंटे जाते जाते होपलेस हो जाता है, वो होता है दोस्तों जहरीला सांप। आप उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप अपने पास, आपका क्षमता है पैसा देने की? सर ना पैसा, पैसा आपने कहाँ से व्यवस्था बनाया पैसे देने की? सोच लिया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 7,500 रुपये की वजह से अपने ज़मीन को ये गिरवी रखने जा रहे थे क्योंकि सांप ने बाइट किया था, और वो बाइक रखवा लिए हैं, ये चाहते थे कि हमारा कोई खेत रख ले और 7,500 रुपये हमको दे दे, उसको हम दे दें। दोस्तों हमारे देश में इस तरीके का अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग जड़ी बूटी दवा पिला करके लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास फैला करके पैसा कमाते हैं, और गरीब परिवार बेचारा कभी कभी अंधविश्वास के चक्कर में मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जब जहरीला सांप काट लेता है। अंधविश्वास हटेगा दोस्तों तभी हमारे आपके परिवार समाज ये सेफ रहेगा। लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं उनके पास तक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैं उसी स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां पर दवा पिलाई जाती है, एक अंधविश्वास फैलाया जाता है लोगों के बीच में खुद का पेट पालने के लिए, लेकिन दोस्तों यहां पर तो गला काट लिया जाता है। जानकारी ही बचाव है दोस्तों, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है जहाँ पर लोगों की मृत्यु आए दिन हो रही है। तो दोस्तों अगर आपका साथ रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, तो सारी जगहों से जितने भी लोग अंधविश्वास में पैसा कमाते हैं, दवा पिलाते हैं, उनसे हम पर्दाफाश करेंगे। आइए दोस्तों, ये बेहतरीन ढंग का बोर्ड लगा हुआ है 4x4.5 का, और इसमें लिखा हुआ है, पता है जिसमें, मालीपुर रोड रुकुमपुर गिट्टी फ्लैट के बगल में। दोस्तों इसमें लिखा है नाग नागिन करायत घोड़ करायत चीकर सन का सातर खोपड़ा नेवला आदि। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत में 6 ऐसे सांप पाए जाते हैं जिनके काटने के बाद में उनको एंटीवेनम इंजेक्शन लगता है। कितना पैसा आपके लिए कहा गया बताइए? उधर मत, 6,500। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इन्होंने सांप, एक सांप काटा था जिसको चेकर्ड किल बैग इंग्लिश बोलते हैं, और उसको हमारे यहाँ वाटर स्नैक बोलते हैं, पानी वाला सांप बोलते हैं, कहीं कहीं पर उसको डोढ़ा बोलते हैं। और हाँ, तो दोस्तों वो बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। साहब ने उसकी दवा पिलाई और ये 6,500 रुपये के लिए मांग कर लिया, इनके पास पैसे नहीं थे, ये गाड़ी इनकी गिरवी रख लिए हैं, और ये खेत गिरवी रखने के लिए हमारा यूट्यूब देखते थे, हमको फ़ोन किए, और उस स्थान पे दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं। डॉक्टर साहब से आपसे रूबरू कराते हैं, कौन सी दवा पिलाए हैं, कितने दिन से आप काम करते हैं, सांपों के बारे में कितनी जानकारियाँ हैं आप बताइए। आप यहाँ और भीड़ होगी अगर आप अच्छी दवा पिलाते हैं और आप पैसे कमाएँगे। हाँ, 30 साल। और करे सांप पिला दे उसका भी, कौन सा दवा पिलाते हैं आप? जड़ी बूटी है सर। जड़ी बूटी तो कैसे वो श्योर होगा कि हाँ इसके पीने पे इंसान बच जाएगा? भाई सीवर जैसे जब जानकारी हुआ था ये सांप काटा हुआ है जी, ठीक, पूरे सीजन में जैसे 10-20-30 केस को बचा ही देते हैं। अच्छा, कौन कौन सा सांप यहाँ निकलता है आप लोग बताइए? अरे यहाँ तो मान के चलिए कि असरिया पंडोढ़ा थाने नाग नागिन करायत गुतरायत सीता संकातर और
और ये नया सांप जो आया हुआ है पहाड़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश। दोस्तों अपने यहाँ एक सांप मिलता है इंडियन रेड स्नैक जिसको हमारे यहाँ धामड़ बोलते हैं या धामिन बोलते हैं, धामिन, उसी को दोस्तों यहाँ पर असड़िया सांप नहीं असड़िया का प्रजाति दूसरी, एक मिनट, उसी को दोस्तों असड़िया बोलते हैं और उसी को घोड़ करायत भी बोलते हैं। एक होता है दोस्तों इंडियन कॉमन करायत और वो दोस्तों कॉमन है जो भारत का सबसे जहरीला सांप है, जो बड़ा सा होता है ब्लैक कलर का, उस पर धारियाँ होती हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर। और एक होता है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसको हमारे यहाँ नाक के नाम से भी जानते हैं, जिसको फिटार के नाम से भी जानते हैं, उसी को दोस्तों हमारा साइंस विज्ञान नाजा नाजा के नाम से भी जानता है और बिहार की तरफ उसको दोस्तों गेहूं के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं पर दोस्तों इसको पलटू के नाम से भी जानते हैं। एक सांप के बहुत से सारे नाम हैं अलग अलग स्टेटों में, हमारे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में दोस्तों एक सांप मिलता है कुकरी स्नैक और एक मिलता है चेकर्ड कीलबैक और एक मिलता है कॉमन स्नैक कॉमन कराय सांप और दूसरा मिलता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा और एक मिलता है दोस्तों रेड स्नैक। और जितने भी सांप हैं दोस्तों उन सब में दो सांप सबसे खतरनाक हैं, एक है करैत और दूसरा है कोबरा। बाकी जितने भी सांप हैं यहाँ पर चाहे वो बिस्खोपड़ा ही क्यों ना हो, ये सब सर सांप जितने भी हैं सब के सब बिल्कुल जहरीले नहीं होते, ये नान बेनमस होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है बिस्खोपड़ा बहुत जहरीला होता है, ये सब जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें से नाग नागिन को छोड़ करके और करैत सांप को, यही दो ही इसमें जहरीले हैं, बाकी इसमें से कोई भी जहरीला सांप नहीं है। तो दोस्तों जो जहरीले सांप नहीं होते हैं उनके काटने के बाद कुछ भी नहीं होता है, जिस चीज़ की ये दवा पिलाते हैं सर जी और उसका 5-7-10 हज़ार रुपये गरीब लोगों से ले लेते हैं, सही बात है। दोस्तों जानकारी ये बचाव है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि सर जी अंधविश्वास को फैला करके पैसा कमाते हैं जो गलत है बिल्कुल। और आप दवा दिखाइए जो पिलाते हैं, दवा दिखाइए, लाइए सर दवा दिखाइए, इस पे क्या है, इस पे कुछ लिखा तो नहीं है, लिखा नहीं, तब ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये सीसी है, इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं है और इसमें क्या लिखा हुआ है कहीं कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, इसी बात का अंधविश्वास फैला करके ये दवा पिलाते हैं। कोबरा करे काटने पर भी आप दवा पिलाते हैं जी, इसको पकड़िए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के कोने कोने में महान ऐसे योद्धा हैं कि कोबरा के काटने के बाद कोई भी इस शख्स धरती पर बचा ही नहीं सकता अगर उसको इंजेक्शन एंटीवेनम सम नहीं मिला तो। अमेरिका सरकार दोस्तों कई करोड़ रुपए इनाम रखा है, एक बार हम सांप से कटवा देते हैं और कोई बच के दिखा दे तो, जैसे अगर आपको कोबरा से कटवा दिया जाए बच जाएंगे एकदम। देखिए मैं ये चाहता हूँ अगर आप कोबरा के काटने पर दवा पिलाते हैं लोग बच जाते हैं, मैं आपको 50,000 रुपये पहले अभी देता हूँ, मेरे सामने कटवाओ और बच के दिखाओ और नहीं साफ साफ बताओ कि जड़ी बूटी सब गलत है, सही बात है। हाँ गलत, जो आदमी यहाँ आते हैं बचते हैं सब गलत, बचते हैं वो जहरीला सांप नहीं है, इसे काटेगा कहाँ भेजेंगे, कहाँ कहाँ कराने वाले हैं, जौनपुर सिटी है, जौनपुर सिटी, जौनपुर सिटी बचाए हो कोई केस, बहुत से लोगों को बचाए हैं, एक दो को नहीं बचाए, पूरे देश को बचाने की हम क्षमता रखते हैं, किसी एक दो लोगों के लिए नहीं, हमारी बात सुनिए आप पहले, बताइए कहना हो नहीं, आप गलत तरीके से आप जो दवा पिलाते हो उसकी चीज को दिखाओ ना, इसका आपको पता है आप इस पे लिखवा दिए हो बिस्खोपड़ा जहरीला है, बिस्खोपड़ा काटने पे बिस्खोपड़ा जहर है नहीं है, बिस्खोपड़ा लाओ मैं कटवाता हूँ और क्या मैं कहूँ, लाओ बिस्खोपड़ा मैं कटवाता हूँ, घोड़ करे थे लाओ कटवाओ हमसे, ना वो तो मैं पहले बताया नाग नागिन और करे साहब, जाइए आप फायर करिए ठीक है, जा पहले फायर, बाकी यहाँ जो भी पेशेंट आएगा जौनपुर हो ना ठीक है, जौनपुर ना भाई, स्टेट का जो भी पेशेंट आएगा अगर मरेगा तो उसका दोषी आप होंगे ना, नहीं नहीं आप कोबरा कटवा के पिलाओ ना दवा यार, दवा आप पिलाते हो हमको ना, बताइए यहाँ तमाम कोबरा सबको बताने के लिए हम आए हैं, आप ही को नहीं हम सबको बताने के लिए, सब लोग गौर से हमारी बात को सुनिए, ये दवा पिलाते हैं फर्जी तरीके से और आप लोगों को लूटते हैं 2,000, 5,000, 1,500, 2,500, 500, सुनाई दे रहा है भाई। इस बच्ची को सांप ने काटा, वो पानी वाला सांप था जिसको चेकर्ड कील बैक बोलते हैं, उसको वाटर स्नैक बोलते हैं, इन्होंने 6,500 रुपए इस शख्स के लेने के लिए कर दिया, पैसा ना दे एक मिनट शांत रहिए माता जी, आप जब आपकी बारी आए तब आप बोलिए, आप कौन है, आप कौन है, पत्नी है, आप माता जी मतलब इनकी पत्नी, ठीक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब की श्रीमती जी हैं, तो इन्होंने इनकी गाड़ी रखवा लिया, समझ रहे हैं हमारी बात सर, हम लोग दूर दूर तक जाते हैं लोगों को जागरूक करते हैं, अपना 2-5 हज़ार खर्च करते हैं, लूटते नहीं किसी का, हम एक पर्दाफाश करते हैं सही चीज़ क्या है, आप सब लोग सही चीज़ को जानो, जब आपको बिस्खोपड़ा काट लिया तो आप दवा पी लेंगे आप बच जाएंगे,
क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उसमें जहर नहीं है। पानी वाला सांप काट लिया आप बच जाएंगे, दवा पी लेंगे, क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उसमें जहर नहीं है। धामिन काट लिया आप बच जाएंगे, दवा पी लेंगे, क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उसमें जहर नहीं है। समझ में आ रही बात? आप इनकी गाड़ी को दे दीजिए, गाड़ी ले जाओ, सही सलामत बात करे होते हैं। ये देश के ब्यौरा आप नेपाल के मेरे कहने का मतलब ये है, पत्रकार आ रहे थे, तीन दिन पत्रकार हम बुलवा रहे हैं, बात करिए। पत्रकार का फोन करा बुलाओ, क्षेत्र गारंटी, पत्रकार के इलाके फोन करके बुलाओ, क्षेत्र में क्यों मारा को गारंटी तो हर हुई पत्रकार बुलाई आ रहे हैं, पत्रकार बुलवा दे, ओंकार बुलवा, पहले सुनिए भाई साहब, काहे घबरा रहे हैं, उनका कुछ न काटे रहा हो, सुनिए भाई साहब, उसको चाहे कुछ भी मत काटा हो, लेकिन यहाँ उसको लेके क्यों आए? जब आप जानते हैं कि कोई जहर नहीं होता है तो क्यों लेके आए? यही हमें जवाब दे दीजिए बस। गरीब थी उमर गई होती वो चलता, लेकिन वही जवाब दे दीजिए कि यहाँ क्यों लेके आए? अभी डॉक्टरी में जाओ भाई साहब, पहले वहाँ जमा कराते हैं, वहाँ जमा कराते हैं पैसा भाई साहब, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे साहब ये देश के पचरा आया है, वीडियो लाइक किया गया कल, आजार करावा बहन, बंद करावा भाई, मैं ताते राजू बंद करावा भाई, कमरे ही अच्छी हुए रहा है, अब को पैसा ना दें वो बच्चे ताते देखा मुख पर ना नहीं है। अभी धोली माफी का सलोने बहू के साथ था, सलोने बहू को औरत को लेके आए हैं, एक पैसा नहीं दिए, बताओ तो हमने गरीब आदमी की एक पैसा नहीं दिए, बवाल तो यह बढ़वाए हैं, का करे है उठे तो यार गरीब आदमी को पे जो जिन अब जावा ना भाई जी, ना जावे कहो 10000 धरा कराए देंगे, 10000 पहले धरा कर जाते हैं, बढ़िया काम कर रहा है, हम लोगों के लिए जो है हम लोगों के लिए भैया खान है, अब चाहे वो ऐसे ना लाइक कर बोले ये लड़का के ये लाइक क्या करना आदम कर रहा है वाला आदमी है, लेकिन लाइक सही बता रहे हैं, तारिक लड़ाई सलोने बहुत पकड़ता भी आपकी तरह है। गांव का नाम क्या है भैया? ये रुकनपुर है, जहाँ खड़ा है रुकनपुर है, ये रुकनपुर है, अब आप प्रधान है ग्राम रुधौली माफी के, माफी के मौके प्रधान है, आप भी दवा देते हैं, उन्हें जाना चाहिए दोस्तों, ये भी दवा देते हैं, ये भी इलाज करते हैं सांपों का। क्या नाम है? एक दो लोगों की बात नहीं सर, 140 करोड़ देशवासियों की बात है, बहुत ये चीज़ है, बच्चों का खेल नहीं हमारा कोई, हम देश दुनिया के कोने कोने जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, अपने गांव में सब लोग बोल लेते हैं, सांपों की हमने पढ़ाई किया, सांपों की जानकारी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, बहुत बड़े हो, बहुत जानकार, आपके सामने बच्चे हैं, बच्चे नहीं हो, बहुत जानकार जानकार हो सकते हैं, बच्चे हैं उम्र में, बहुत कुछ बच्चे हैं सर, बहुत गलत आप बोल गए, बात है फाइयर का, फाइयर कर रहे हैं, इस कोर्स की जनता मेरे साथ है, जनता ये क्षेत्र का मना ही मरा, जनता ना तो हमारे साथ है ना तो आपके साथ, आप फाइयर करिए देखिए, नहीं नहीं क्षेत्र का मना ही, नंबर जा सुनो, हेलो दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट में, आप अपनी राय दीजिएगा कि सर जी के साथ में कैसे कैसे क्या होना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, और आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, बाय, चलिए आप जाइए अपनी गाड़ी लेकर, तो जो भी हो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, सही चीज़ों को दर्शाने का अपना पूरा प्रयास है दोस्तों, जितने भी जहरीले सांप हैं उनके लिए एंटी वेनम जरूरी है, किसी बात है कोई